What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20 अप्रैल 2020 मंडे है, सुबह के 8:50 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। आज से जो ग्रीन जोन है इंडिया में, जो ग्रीन जोन है जहां पर कोरोना के पेशेंट्स कम है, वहां पर हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस फिर से रीस्टार्ट किए जाए। लेकिन जो वायरस का अभी भी इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका भी टेंशन अभी देखने को मिल रहा है। एक न्यूज आया था फ्राइडे, जो फ्राइडे को आरबीआई ने फिर से एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद एफडीआई की जो पॉलिसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, ये चेंज हो गई है। उससे हो सकता है कि इक्विटी मार्केट में जो एफडीआई का अभी रोल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कुछ दिनों से, तो हो सकता है वहां पर अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। एफडीआई के पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, यहाँ पर कोई कंपनी के टेक ओवर करना चाहे इंडिया के बाहर से तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का काफी अभी ध्यान होगा, तो हो सकता है थोड़ी सी अभी बाइंग में यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिले। तो सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दें, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 17 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9110। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सट्रीम गैप अप ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन, और गैप अप ओपन होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 80% हमें ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो सेकेंड टारगेट का उसके भी ऊपर ओपन हुआ था, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। निफ्टी जैसे ही यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ ही आया तो इसने एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक दिखाया। तो जब बाउंस बैक दिखाया तभी इसने फर्स्ट टारगेट 9157 ये यहाँ पर अचीव किया। फिर ये एक बार नीचे आया था और इसने डबल बॉटम यहाँ पर बनाया, ये देखिए डबल बॉटम यहाँ पर बनाया, और इसके जब इसने नेक लाइन का ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से, तो जबरदस्त और तेजी यहाँ से देखने को मिली। तो फ्राइडे को सेकेंड टारगेट 9225 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 65 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 48,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन होता है, आपको ध्यान देना होता है कैसे पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ से निफ्टी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये लाइव एनालिसिस का ये एक एग्जाम्पल था। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे, नासडैक करीब 100 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ था, यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए थे। आज एशियाई बाजार खुले हैं तो थोड़ा सा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स अभी 181 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। नाउ फ्यूचर देखें तो 44 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल एशियाई बाजार हफ्ते के पहले दिन थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, यहाँ पर जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया है, अभी ये 38.2% के लेवल के आसपास है। इसने ये जो हाई था, ये हाई इसके बीच में ये लास्ट एक वीक के पहले यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, तो इसका हाई और इसका लो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता था। तो इसने इसका हाई अभी ब्रेक कर दिया और ये नेक्स्ट वीक भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव रहा है। तो अभी फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 9390 का हो सकता है यहाँ पर, अगर इसे भी ये ब्रेक कर लेता है तो ऊपर 10,000 की और निफ्टी इंडेक्स हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे 8670 अभी फर्स्ट मेजर सपोर्ट होगा यहाँ पर। डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पे ये जो अपसाइड मूव यहाँ से एक 45 डिग्री में यहाँ से टूवर्ड्स अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है, इसका इंडिकेशन हमें ये जो आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन का ये
डाइवर्जन है यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अगर आप हमें कई जो से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो पॉजिटिव डाइवर्जन है ऊपर प्राइस एक्शन लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आरएसआई तो ये यहाँ से राइजिंग बॉटम्स बना रहा था उसी वक्त। ये देखिए यहाँ पर लोअर लोज बन रहे लेकिन यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स बन रहे थे, तो ये डाइवर्जन था पॉजिटिव डाइवर्जन। उसके बाद यहाँ पर और एक पैटर्न बन रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो इसके नेक लाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद ये और भी टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर एज पर ये जो डेली चार्ट है इसका सबसे पहले तो रेजिस्टेंस 9390 है, उसके बाद 50 ईएमए देखे तो वो एग्जैक्ट 50% का है जो लेवल है 9970 ऑलमोस्ट 10,000 के पास। यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा अगर ये यहाँ से कंटिन्यू हमें अपसाइड मूव दिखाता है तो। लेकिन एफडीआई का जो पॉलिसी चेंज हुआ है तो हो सकता है जो इक्विटी में यहाँ पर एक एफडीआई एफआईआई की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिल रहा था, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी आए। तो यहाँ पर अगर ये हॉल्ड करता है 9390 के पास तो नीचे आते वक्त 20 ईएमए ये जो पिंक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है एज पर डेली चार्ट 9000 के पास है। तो 9000 एक सपोर्ट है और उसके बाद ये 8670 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ऊपर जाते वक्त 38.2% का रेजिस्टेंस और उसके बाद ये 50 का लेवल जो कि 50 ईएमए के ये ब्लू लाइन के पास आ रहा है वो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था फ्राइडे को, तो यहाँ से जिसने फॉल दिखाया है फ्राइडे को अगर ये लेवल कम्प्लीटली अगर ब्रेक होता है 9321 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9385 भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9438 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था फ्राइडे को यानी ये जो लेवल है ये देखिए यहाँ पर इस लेवल के पास पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था ये देखिए यहाँ पर जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस सपोर्ट को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9057 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9013 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूले। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।